छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अक्सर बच्चों व आम आदमियों के बीच देखे जाते हैं। अभी हाल ही में सीएम बघेल का बच्चों के साथ खेलने का वीडियो वायरल हुआ था, तो वहीं अब भूपेश बघेल हल और बैल देखकर खुद को रोक नहीं पाए। पाराडोल पहुंचे मुख्यमंत्री कार्यक्रम स्थल से सटे खेत में धान बुआई होते देख वहां पहुंच गए। एक किसान की तरह उन्होंने खेत में हल चलाकर जुताई और सोनम धान की बुआई की। ये खेत गाँव के कोटवार भागीरथी को कोटवारी जमीन के रूप में मिला है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहले तो हल चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसके बाद वो खेत में बुआई करते देखे जा सकते हैं। इस दौरान पाराडोल पहुंचे मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं ये देखने आया हूँ। इस दौरान उन्होंने पाराडोल के विकास के लिए कई घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि तेंदुडांड पाराडोल में हसदेव नदी पर उच्च स्तरीय पुल बनाया जाएगा, हसदेव नदी पर एनीकट का निर्माण करवाया जाएगा, नगर पंचायत झगरा खांड में मिनी स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि गौठानों में सबसे अधिक वर्मी कंपोस्ट बनाने वाले और बेचने वाले समूह को पुरस्कृत किया जाएगा, पहले 3 स्थान पर आने वाले समूह को प्राइज देंगे। बता दें कि इस बीच सीएम बघेल के साथ गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल और मनेन्द्रगढ़ विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल भी मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्यमंत्री को साफा पहनाकर उनका पारंपरिक स्वागत किया गया। पंजाब केसरी टीवी के लिए छत्तीसगढ़ सत्येंद्र शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।